we have to find minimize of 3x plus 5y. आर्टर का सब्जेक्ट का कंस्टेंट शायद क्या है एक्स प्लस थ्री वाई ग्रेटर आर इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू विद नॉन नेगेटिव कंस्टेंट एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो आप इधर बोलना आप पहली लाइन क्या कहेंगे आप कैसे लिखेंगे आप तो आप लोगों ने कहा जो इसका फिजिकल ओरिजिन होगा द फिजिकल ओरिजिन इज डिटरमाइंड बाय द गिवन कंडीशन वेरी गुड द फिजिकल ओरिजिन इज डिटरमाइंड by the given constants. Given constants. बेटा कांस्टेंट्स आपके पास कौन कौन सा है एक्स प्लस थ्री वाई ग्रेटर आर इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू टू एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर आर इक्वल टू वेरी गुड है ना तो द फिजिकल ओरिजिन डिटरमाइंड बाय द गिवन कांस्टेंट्स दिस इज एज फॉलोज अमर बोलना आप पहली लाइन क्या करेंगे हम बनाएंगे सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन दिस एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एक्स ओ एक्स प्राइम वाई ओ हाँ शायद बेटा बोलो आप क्या करेंगे हम इसको लेंगे एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री है ना पुल आउट कर लो इसका ग्राफ दिस इज यूर एक्स दिस इज यूर एक्स का वैल्यू जीरो वाई का वैल्यू मिलेगा वन और वाई का जीरो एक्स का वैल्यू मिलेगा थ्री है ना तो आपने कहा सर अगर ये पॉइंट ए है जीरो कामा वन और सर ये पॉइंट बी है थ्री कामा जीरो इसको मीट करेंगे जो सर ये ए भी आपको मिलेगा ना ये किसका ग्राफ है एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री का ग्रेटर इक्वल टू थ्री का ना चलो शायद इसके बाद एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए ना मकसूद बोलना बेटा पहला पॉइंट दिस इज एक्स एक्स को जीरो वाई को टू वाई को जीरो एक्स को टू है ना तो पहले जीरो कामा टू पे जाना है आपने कहा सर दिस पॉइंट सी दिस इज जीरो कामा टू है ना और आपने कहा सर दिस डी दिस इज टू कामा जीरो इजंट इट ए बेटा यहाँ पर ध्यान देना ये जीरो कामा टू है तो ये जीरो कामा वन है नदीम ये जीरो कामा वन है तो अब हमें वन से ऊपर तो टू आएगा अब ये थ्री कामा जीरो था लेकिन हमें कहा जाना है टू कामा तो ये आगे आएगा ना तो आपने कहा इसको लाइन को ज्वाइन करेंगे से दिस इज योर डीसी है ना अब से भी लोग देखेंगे ध्यान से हमें देखना है रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मुझे बता बेटा फिजिकल रीजन कामा रीजन कौन है आपने कहा सर ये लाइन है ना इसके नीचे भी ये आता है इसके नीचे भी आता है कामा यही होना चाहिए लेकिन जब हम देखेंगे ये अनबाउंडेड है या बाउंडेड हम यहाँ पर चेक करते हैं इसको जीरो दे दो ग्रेटर जीरो प्लस जीरो कितना आएगा ग्रेटर जीरो प्लस जीरो कितना आएगा जीरो ग्रेटर आर इक्वल थ्री ये ट्रू है फाल्स फाल्स जीरो इज ग्रेटर आर इक्वल थ्री ये तो फाल्स है ना जीरो ग्रेटर आर इक्वल टू ये फाल्स है इसका मतलब है जो फिजिकल रीजन दैट इज अनबाउंडेड तो हमारा जो है ना दैट इज दिस ये हमारा फिजिकल रीजन है दिस 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 एंड दिस तो बेटा आपने कहा जो फिजिकल रीजन है ना दैट इज बी ए एंड सी ए पॉइंट ओके ओके आपने कहा ये है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आपने कहा ये डी है तो हमारा फिजिकल रीजन है ना वो हाँ बेटा ई ओके आपने कहा फिजिकल रीजन है हमारे पास बी ई सी क्योंकि फिजिकल रीजन मीन्स जो कॉमन होगा ये इस वाले लाइन को भी कॉमन है इसको भी कॉमन है क्योंकि अब ये पूरा है ना ये अपर बाउंड जा रहा है दैट इज अनबाउंडेड और जो हमारा फिजिकल रीजन है वो कौन सा आता है बेटा बी ई सी तो आपने कहा पॉइंट सी पॉइंट ई को निकाला है ना तो आपने कहा कि नाउ एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू माइनस 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 दिस दिस कैंसिल दैट इज टू वाई इज इक्वल टू वन वाई का वैल्यू आएगा वन बाई टू है ना और एक्स का वैल्यू कितना आएगा थ्री बाई टू तो आपने कहा जो ये रिक्वायर्ड पॉइंट है ना दिस इज थ्री बाई टू कामा वन बाई टू तो बेटा आपने कहा द फिजिकल रीजन इज एज फॉलो तो आपने कहा देयरफॉर द रिक्वायर्ड फिजिकल रीजन इज अनबाउंडेड है ना इज अनबाउंडेड एज कौन सा है बेटा ई सी ई बी विद कॉर्नर पॉइंट सी के कॉर्डिनेट्स ई के कॉर्डिनेट्स और बी के कॉर्डिनेट चलो बेटा निकालो अब राइट डाउन दिस दस दस कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल ओरिजिन
सी बी आर सी हाँ बेटा सी सी एस एस टू कामा जीरो जीरो कामा टू जीरो कामा टू ई थ्री बाई टू वन बाई टू थ्री बाई टू वन बाई टू और बेटा बी यस सर क्या है थ्री कामा जीरो थ्री कामा जीरो तो आपने कहा सर दिस इज सी पी कार्बन पॉइंट और यहाँ पर मुझे क्या निकालना है मिनिमाइज ऑफ जार्ड मिनिमाइज ऑफ जार्ड इक्वेशन क्या है थ्री एक्स प्लस फाइव है कर लो बेटा स्टार्ट पहले जीरो कामा टू देंगे तो टेन मिलेगा फिर थ्री बाई टू कामा वन बाई टू फोर्टीन बाई टू इज इक्वल टू सेवन फिर बेटा थ्री कामा जीरो नाइन तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है तो आपने कहा मिनिमाइज ऑफ जार्ड इज इक्वल टू सेवन अब शायद आपका क्वेश्चन है यहाँ आप देखो अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन किया ना रीजन वाज बाउंडेड तो व्हेन रीजन इज बाउंडेड फिजिकल रीजन देन इट हैज डेफिनेटली ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेकिन बेटा मिनिमाइज ऑफ सेवन जेड कितना मिला सेवन तो आपने कहा बट फिजिकल रीजन इज अनबाउंडेड इज अनबाउंडेड देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन May or may not exist. लेकिन अब हमें तो ये कैसे पता पड़ जाएगा कि मिनिमाइज ऑफ जेड हमने सेवन लिया ये है या ऑप्टिमल या नहीं तो बेटा हम इसका ग्राफ बनाएंगे किसका थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इसका मिनिमम वैल्यू कितना है सेवन आपने कहा थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू सेवन जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम सभी लोग देखिए ध्यान से आपने कहा जब एक्स को सर हम जीरो देंगे तो y का वैल्यू मिलेगा सेवन बाई फाइव दैट इज वन पॉइंट समथिंग तो कुछ बोलना कितना आएगा सेवन बाई फाइव फाइव वन सेवन पॉइंट वन पॉइंट फोर ओके बेटा अब मुझे बताना y का वैल्यू जीरो दे दो टू पॉइंट थ्री थ्री ठीक है ना यही जो आपका ग्राफ था ना मुझे बताना आप लोगों का ग्राफ पहले क्या था अवैध जो आप लोगों ने लिया ना फिजिकल रीजन एक्स ओ एक्स प्राइम y o y प्राइम है ना आपने कहा था फीजा पर रीजन आया था c का कार्डिनेट्स कितने थे जीरो कामा टू e b e सर e था टू बाई थ्री बाई टू वन बाई टू वन बाई टू और b था थ्री बाई टू कामा वन बाई टू थ्री बाई टू अच्छा थ्री बाई टू कामा ये ना आपने ये लिया था फीजा पर रीजन यहाँ से था है ना ये आपका फिजिकल रीजन है लेकिन जब हम इसका प्लॉट करेंगे ग्राफ दैट इज 2.3 दैट इज 2.3 वो यहाँ पर है 2.3 का मतलब जीरो है ना और 1.4 वो इस साइड में आया हमने जब हमने देखा ना ये लाइन और जो ये लाइन मिला ना हमें कौन सी लाइन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 इसका कुछ भी कॉमन नहीं है किसके साथ फिजिकल रीजन के साथ देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन द गिवन लाइन एंड द फिजिकल रीजन देयर फोर दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अगर बेटा इसका और इसका कुछ कॉमन होगा देन दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड आंसर उस केस में फिजिकल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट कब जब बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन है एंड देयर इज अ कॉमन बिटवीन फिजिकल रीजन एंड द गिवन लाइन बेटा ठीक दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर अब आप लोग फाइव यही पे करना मैं देखूंगा